नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य किस तरह किशन शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो मा। जी हाँ, करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो मुझे कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप उस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नमक का क्या है प्रभाव जीवन में। जी, नमक का अलग अलग प्रभाव है, उसके बारे में हम चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि राशियों के ऊपर भी चर्चा कर लें। क्या कहता है आज आपका दिन? मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं, मन में खुशी और प्रसन्नता रहेगी, अनुभव करेंगे। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी दिन लाभदायक साबित होगा। आज आपको क्या करना है, आज के दिन अगर हो सके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज के दिन सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी जाती है, आपका मन चिंता से घिरा रहेगा, स्वास्थ्य भी नरम नरम रहेगा और परिजनों के साथ मनमुटाव होने से मन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको गलिन महसूस होगी। तो यहाँ पर आज आपको क्या करना है, आज अगर हो सके अपाहिज व्यक्ति को दान देते हैं, कुछ भोजन खिलाते हैं, आपके लिए बेहतर हो जाता है। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए क्या कहता है? आपके लिए कहता है लाभों की प्राप्ति कराने वाला साबित होगा। आज का दिन परिवार में पुत्रों और पत्नी की तरफ से लाभदायक समाचार मिलेंगे और उनके साथ अच्छा भी बीतेगा। मित्रों के साथ मिलन मुलाकात आपको आनंदित कर सकता है। आज इस आनंदित जो समय है उसको और किस तरीके से अच्छा बनाया जा सके, तो उसके लिए यहाँ जरूरत है कि आज अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा और साथ ही खीर का जब भोग लगाते हैं तो उसके लिए विष्णु जी को चुनिएगा। विष्णु जी का भोग लगाने के बाद परिवार के साथ खाइएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, उच्च अधिकारियों के साथ वाणी और व्यवहार में संभल कर चले, शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक चिंता भी आपको बनी रहेगी। व्यापार में विघ्न आने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। आज आपको क्या करना है, आज के दिन अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज का दिन मध्य फलदायक होगा, आप धार्मिक और मांगलिक कार्यों में उपस्थित रहेंगे, आपका व्यवहार न्यायप्रिय रहेगा, धार्मिक प्रवास का आयोजन भी होगा, स्वास्थ्य आपका नरम गरम रहेगा। तो आज आपको क्या करना है भाई, आज आपको करना है अगर हो सके तो सरसों का तेल अपने ऊपर से उतार कर कहीं भी शनि मंदिर में दान करते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाए। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कहता है कि आज के दिन नया कार्य शुरू करने की सलाह हम आपको देते हैं, साथ ही गणेश जी भी दे रहे हैं। बाहर के खाने से आपकी सेहत खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है, गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी, बोलने पर संयम रखिए, आपके शत्रुओं के हित से जरा थोड़ा सा संभल के रहिए, कहीं ना कहीं शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आपको क्या करना है, माँ बंगलामुखी के मंत्रों का जाप करना आपके लिए उत्तम हो जाता है। बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे, अपने कॉलर से भी जुड़ लेते हैं क्योंकि हमारे कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। 2076 है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बताइए। और समय बताइए। समय तो नहीं मालूम है जी, सवाल पूछिए। तबीयत हमारी नहीं सही रहती है काफी दिनों से। नवीन जी, आपके नाम से वृश्चिक राशि बनती है और साथ ही जैसे कि आपने बताया है, आपने समय तो नहीं मालूम मगर हमने जो प्रश्न कुंडली के आधार में यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मंगल का प्रभाव, हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ साथ आपके लिए यहाँ बताने चाहेंगे, हर शनिवार के दिन अपने शरीर पर थोड़ा सा तेल लगाइएगा, उसके बाद आपको कपड़े से पोंछना है, सफेद रंग के कपड़े से किसी भी मंदिर या चौराहे पे जाके आपको हटा देना है, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। साथ ही अपना छाया दान करना आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। ये आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है अभी से नहीं है बल्कि बहुत समय से चली आ रही है, कहीं ना कहीं जो आपको जो है मंगल का प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा, मंगल का प्रभाव जो हमारे ऊपर हेल्थ पे, जो मंगल हमारी हेल्थ का स्वामी है, वो कहीं ना कहीं हमें जब नुकसान पहुंचाता है या हमारे लिए कमजोर होता है तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो तांबे के लोटे से जल पीना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा और मसूर की दाल उसार कर आपने कहा पक्षियों को डालना आपके लिए बेहतर होगा। जय भोलेनाथ। रेनू हमारे से जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। रेनू जी स्वागत है आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी बेटा। मैम बेटे के बारे में पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2004 और 2:09 दोपहर को। 2:09 दोपहर को। हाँ जी, सवाल पूछिए।
मैम वो पढ़ता नहीं है, उसको कुछ भी मतलब सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ नहीं पाता है, भूल जाता है और बीमार रहता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसकी कुंडली के अनुसार यहाँ देख रहे हैं कि मेष राशि मेष लगन का है, साथ ही यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर देखते हैं पंचम माह में गुरु भी संचार कर रहा है, तो गुरु का उपाय आपके लिए बेहतर होगा। इसको जो है केसर या हल्दी डालकर दूध पिलाना इसके लिए अति उत्तम होगा। सादा दूध बिल्कुल नहीं पिलाना है क्योंकि सादा दूध कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाएगा। और पढ़ाई लिखाई में मन एकाग्रत रहे तो इसके लिए मस्तक पे आप अगर हो सके तो जब भी सुबह स्कूल जाता है नहाता है तो उसके बाद इसके मस्तक पे केसर का तिलक लगा दीजिएगा, पढ़ाई लिखाई में अति उत्तम रहेगा। गुरु को जितना हम ज्यादा बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। जहाँ जो पढ़ाई करता है वहाँ पर अगर हो सके इसकी दीवार पर आपने ओम लिखना है, वो भी केसर से, बच्चे के पढ़ाई में लिखाई में मन लगेगा। ये करके देखिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय भोलेनाथ। अनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मैम मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। अनीता जन्म तिथि जन्म समय? हाँ 3 अक्टूबर जी 86। और समय बताइए। मॉर्निंग में 11:15। 11:15 जी जी जी। बताइए क्या पूछना चाहती है। मैम मैं हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बनती नहीं हमारी, और कैसा रहेगा आगे का फ्यूचर? हस्बैंड और आप में दोनों में कहीं ना कहीं बनती नहीं है, उसका कारण एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप जो है गुरु शांति का उपाय करने के लिए आप गुरुवार के दिन ही, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं गुरु की दृष्टि जो सप्तम भाव पे पड़ती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अड़चन है, आपको शुक्र को बढ़ावा देना है। यहाँ साथ ही जो है आपकी राशि के स्वामी यानी कि कन्या राशि के हैं तो यहाँ पर गुरु का जो है प्रभाव हम यही कहेंगे कि कम करिए, बुध और शुक्र को हम थोड़ा सा उठाएंगे। तो इसके लिए गुरु के लिए आपका उपाय क्या करना है, हर गुरुवार के दिन आपने गाय को हल्दी लगाकर चना और गुड़ और साथ में आटे की लोई में रखने के बाद आप खिलाया करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले रंग के वस्त्र जो है आप नहीं पहनेंगे, ना ही अपनी बेडशीट पर बिछाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अनबन बना देता है। साथ ही आपके लिए पक्षियों को सत नजर डालना है क्योंकि राहु का उपाय यहाँ पर करना आपके लिए बेहतर हो जाता है, ये करिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय भोलेनाथ। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे भी बात कर लेते क्योंकि हमारे एक और कॉलर है। अनुराधा जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार बेटा। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1996। और समय बताओ। 6:45। सुबह का शाम का? शाम का। बताओ क्या पूछना है बेटा। मैम मेरे ना एजुकेशन लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत रुकावटें आई है, थोड़ा बताइए उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल, एजुकेशन के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं एक तो जो है यहाँ पर एक चीज बच्चा आपको मैं बताना चाहेंगे कि आपकी राशि जो है मेष राशि है, हमें जो है मंगल को थोड़ा सा ऊंचा करना है और यहाँ पर पंचम भाव में और नव भाव में देखते हैं चंद्रमा और शनि का जो प्रभाव होता है कहीं ना कहीं अड़चन डालता है। तो अभी इसकी जो दशा आपकी जो चल रही है वो शुक्र की चल रही है, तो शुक्र के प्रभाव के लिए जहाँ पर आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा कपूर जलाने के बाद अपने ऊपर से भी कपूर उतारने के बाद बाहर रख देना है, कपूर थोड़ा सा जलाइए, जहाँ पर पॉजिटिव चीजें आएंगी। और जब भी आप परीक्षा वगैरह के लिए किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो अपने पास कपूर रखिएगा, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे भी कपूर रखना आपके लिए अति उत्तम हो जाता है। कहीं ना कहीं जो शुक्र का प्रभाव है वो आपकी पढ़ाई लिखाई में अड़चन पैदा कर रहा है, जहाँ शनि और चंद्रमा भी जहाँ पर अड़चन, क्योंकि शनि को हम मंदाय कहते हैं तो शनि की पूजा आराधना नहीं करनी है। आप हनुमान चालीसा पढ़ा करें आपके लिए बेहतर होगा, और शुक्र का उपाय करिए जो मैंने बताया है, कपूर को और साथ ही चींटियों को चीनी डाले। जय भोलेनाथ। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। मनोज जी स्वागत है जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे बेटा की डेट ऑफ बर्थ है 30/7/2013। 30/7/2013। और समय बताइए। समय 3:19 शाम जी। क्या पूछना चाहते हैं मैडम? ये बोलता नहीं है, 2.5 साल का होगा। 2.5 साल का आपका बेटा है और बोलता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर इसकी कुंडली के अनुसार भी यहाँ देख रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये बोलेगा, थोड़ा समय है मगर जो है बोलेगा जरूर। और उसके लिए यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, इसका जो झूठा पानी है, थोड़ा झूठा पानी इसका जो है पीने के बाद जो है पक्षियों को रख दिया करें, इसके लिए बेहतर होगा। और साथ ही इसके लिए यहाँ पर एक चीज है, बादाम इसको खिलाया करें, घिस के बादाम इसके जवान पे। और अभी हमारी जो वसंत पंचमी गई थी उस दिन आपको केसर से इसके जवान पे ओम लिखवा देते, इसके लिए बेहतर हो जाता। आगे भी जो अच्छे जो शुभ मुहूर्त आएगा तो इसकी जवान पे जरा सा ओम लिखवा दीजिएगा, बच्चा बोलेगा, थोड़ा विलम्ब है, बोलेगा जरूर। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो मैडम, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित जी। मेरा बर्थ डेट मुझे पता नहीं है, मैंने अभी रिश्ता एग्जाम दिया है, उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? किस चीज का एग्जाम दिया आपने? मैंने रीट का एग्जाम दिया है। जी जी जी। तो उसमें मेरा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन?
चलिए रोहित जी, आप जो है नाम से जो है आपकी तुला राशि बनती है, और एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे, उसमें यहाँ पे 80% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर उसमें जो सक्सेस चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करा करें, सूर्य देव की जल्दी उठने की एक आदत डालिए, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा सूर्य कमजोर है, तो थोड़ा यहाँ पे 80% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उपाय करिए, हो जाएगा जय भोलेनाथ। किरण हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। किरण जी स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार, सबको बोला मैंने जय माता दी, जय भोले की बोलिए। हाँ, मुझे ना, मेरा नाम किरण है, मेरा 1918 का जन्म है मेरा। नहीं नहीं, 1918 का? हाँ, 18 मार्च। 18 मार्च? हाँ, 1918। ठीक है जी, 86 का 18 मार्च 1986। हाँ हाँ, और समय बताइए। समय का तो पता नहीं मैम, मुझे बस इतना जानना है कि हमारा मकान कब होगा, बस इतना ही पूछना होगा। अरे अच्छे से जो है अपना सन बताया करिए, हम भी जो घबरा जाते हैं कि कहीं हम ऐसा एकदम पीछे, कहीं इतिहास से लोग उठ उठ के लोग आ जाएंगे कहीं हमसे पूछने। चलिए हम बता देते हैं, आपने बात किया मकान के योग के लिए, मकान के योग के लिए यहाँ देख रहे हैं बुध हमारा जब नीचे सो के बैठा होता है आपकी कुंडली में यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो है धन के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मकान तो तब बनेगा जब पास में हमारा धन होगा, धन की समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर आपके लिए बताने चाहेंगे, आप तुलसी की पूजा आराधना करा करें। तुलसी की पूजा आराधना करनी है तो आपने गाय के घी का दीप जलाना आपके लिए अति उत्तम होगा, और साथ ही जब तुलसी की पूजा करते हैं तो नई ईंट ले आइएगा। जो भी मकान आपको पसंद आ रहा है, जब आप कोठी देखेंगे तब जाके छोटा सा मकान बनेगा, तो वहां से नई ईंट लाइए, उसके ऊपर आपने तुलसी को दीपक जलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। जय भोलेनाथ। नरेंद्र हमारे से जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, जय भोले, जय भोले की जी। मैडम ये मैं जानना चाह रहा था, मेरा बच्चा है उसके बारे में। जन्म तिथि बताइए पहले उसकी। जन्म तिथि है उसकी 29 जनवरी 2002। और समय बताइए। समय 2:37 दोपहर में। दोपहर का? हाँ मैडम जी। क्या पूछा जाता है उसका? मैडम ये मस्ती करता रहता है पढ़ाई में, थोड़ा वैसे पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन थोड़ा मस्ती करता रहता है, जो इधर उधर मन इसका भटकता रहता है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए। छोटा बच्चा है, मिथुन लगन का है, यहाँ पर जब चंद्रमा हमारा कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिथुन राशि को देखते हैं दो चेहरे बने होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कभी तो अच्छा लगेगा कभी एकदम कहीं ना कहीं शरारती हो जाता है। फिर भी यहाँ पे बच्चा यहाँ पर छोटा है, माँ के भाग्य से जुड़ा रहेगा तो 9 साल तक, और साथ ही यहाँ पर अभी एक दशाओं की बात करते हैं तो केतु का चल रहा है, इसके हाथ से जो है कुत्ते को रोटी खिलाया करें, थोड़े इसका जो झूठा दूध है वो कुत्ते को डाला करें, काले कुत्ते को डालेंगे बेहतर हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आगे अच्छा रहेगा, अभी कुछ समय है। तुला राशि वालों के लिए भी बात कर लेते हैं, आपका दिन आज का दिन क्या कहता है। आपका दिन सफलता और मनोरंजन से भरा होगा, सार्वजनिक जीवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, और साथ ही मौज मस्ती के पीछे खर्च भी होगा, वैवाहिक सुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। आज आपको क्या करना है, आज के दिन अगर हो सके तो घर में जो है कुछ ऐसी चीज बनाइएगा जिसे हम कह सकते हैं कि हलवा बना सकते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, और जब घर से बाहर निकले तो दही खा के जाइएगा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज के दिन कुछ अचानक घटनाएं होंगी, पूर्व निर्धारित मुलाकातें भी आपकी रद्द हो सकती हैं, इससे हताशा और क्रोध की भावना आपकी पैदा हो जाएगी, हाथ आए अवसर आपके हाथ से निकलते हुए प्रतीत होंगे। आज आपको क्या करना है, अगर आज हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करना है मंदिर में जाकर, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, सुंदरकांड का भी पाठ आपके लिए बेहतर हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज आपको पेट संबंधी समस्याएं खड़ी होंगी, संतान का स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई के संबंध में आपको चिंता रहेगी, बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। आज के लिए क्या करना है आपके लिए अच्छा है कि आज आपको करना है कि अगर हो सके तो स्फटिक की माला पे आपने ओम नमः शिवाय का जाप कर अपने गले में डाल के कहीं भी जाएंगे आपका कार्य बन जाएगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज का दिन आपके लिए प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा जिससे मन में चिंता रहेगी, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का अभाव रहेगा। आज आपको क्या करना है, आज के दिन अगर हो सके तो काले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो आपको लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज आप तन मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, मन पर छाए चिंता के बादल दूर होने से आपका उत्साह बढ़ेगा, भाई बंधु जनों के साथ मिलकर नए आयोजन को हाथ में लेंगे तो अब बेहतर होगा। आज चमेली का तेल हनुमान जी पे चढ़ा दीजिए आपके लिए और भी लाभकारी हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, वाणी पर संयम रखें, क्रोध के कारण किसी के साथ तकरार या मनमुटाव होने की संभावना दिखाई दे रही है, शारीरिक कष्ट का अनुभव होगा, नकारात्मक विचार हावी ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। आज आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला दीजिए बेहतर होगा। हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो,
हेलो जी, स्वागत है। हाँ, अरुण कुमार बोल रहा था जी, नमस्कार। कुमार जी स्वागत है जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि, जन्म समय। मेरे लड़के का जन्म है 14 जून 1996, टाइम है 2:45 दोपहर का, और जन्म स्थान है दिल्ली का जी। क्या पूछना चाहते हैं? उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स करा हुआ है, उससे जब आपसे बात भी हुई थी समझ नहीं आ पाया था, क्या उसे सफलता मिलेगी फिल्म मेकिंग में? फिल्म मेकिंग में सफलता के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे कि इसकी कुंडली में हम यहाँ देख रहे हैं, वृषभ राशि का है, शुक्र को हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। यदि हम मीडिया लाइन में हैं तो हमारा शुक्र मजबूत होना चाहिए। 23 डिग्री होके, स्वयं ग्रही होके, वक्री होके, यानी कि कमजोर होके बैठा, इसको बोलिए 6.25 रत्ती का जरकन या हीरा पहन सकते हैं, इसके लिए बेहतर होगा। साथ ही यहाँ पर जैसे कि आपने बात की है कि क्या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ पर कुल मिला के 90% है, मगर जो 90% को 100% बनाना इनके हाथों में है, तो इसके लिए जो है शुक्र का उपाय करें, इनके लिए बेहतर होगा। क्लीन सेफ रहा करें, दाढ़ी मूछे बिल्कुल ना बनाए, ब्लैक कलर के कपड़े पहना करें, इनके लिए बेहतर होगा। और परफ्यूम लगा के रखिए, शुक्र हमारा उत्तेजित रहेगा। जय भोलेनाथ। दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार बेटा। मैम मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, वो उसकी जॉब के बारे में पूछना है। जन्म तिथि बताओ बेटा। मैम उसकी जन्म तिथि है 26 दिसंबर 1990। और समय बताओ। समय है 8:45 शाम का। क्या पूछना चाहते हैं भाई के लिए? मैम उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उसकी पढ़ाई पूरी होगी, इतनी लग पा रही है, तो मुझे आप बताएंगे कि उसकी प्राइवेट जॉब सेक्टर में कब तक लगेगी और गवर्नमेंट है या नहीं है? गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर आसार कुल मिला के कह सकते हैं बहुत कम है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर एक चीज है, इसको बोलिएगा काल सर्प दोष की पूजा आराधना करा ले। गुरु और केतु जब दोनों एक साइड हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ दोष भी हमारी कुंडली में लगा हुआ है, इसके लिए जो है काल सर्प दोष की पूजा आराधना करें, अन्यथा जो है मेहनत करते करते इसके हाथ से कहीं ना कहीं अच्छे अवसर निकल जाएंगे। यहाँ मोर पंखी चंदन इत्र लगा के अपने पास रखा करें, सारी चीजें सफलताओं में बदल जाएगी, इसके लिए ये उपाय करें। जय भोलेनाथ। हरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1997। 1997। हाँ समय बताइए। समय शाम का 5:05 मैडम। हाँ सवाल पूछिए। मैं जानना चाह रहा हूँ मैडम कि मेरा जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा? आप प्राइवेट जॉब के लिए अगर थोड़ी मेहनत कर ले उसी में ज्यादातर अच्छा रहेगा, मगर गवर्नमेंट जॉब के भी ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचे नहीं, सोचिए जरूर, क्योंकि वृश्चिक यहाँ पर आपकी राशि है। और लगन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है लगन में आपकी कर्क राशि संचार कर रही है, लगेगी अगर गवर्नमेंट जॉब तो आपके जन्म स्थान से अलग हटके लग सकती है, जो आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, शनि का दान पुण्य करिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, मगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर मेहनत करते रहिए, प्राइवेट जॉब के बहुत अच्छे अवसर हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, और अप्लाई करते रहिए। जय भोलेनाथ। मंजू हमारे से जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। मंजू जी स्वागत। जय माता जी प्रेम से बोलो जी। बताओ। मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। मंजू बताओ जन्म तिथि, जन्म समय। 12/9/1985। और समय बताओ। समय तो ये 2:05 से दोपहर का। जी जी बताओ क्या पूछना चाहती हो? जैसे कि मेरा हमेशा तबीयत खराब रहता है और हमेशा दुखी में रहता है, कुछ भी नहीं, परेशान रहती हूँ मैं हमेशा, और माता जी ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को पुत्र मिले है कि नहीं है, क्या है? चलिए सबसे पहले हमें दुख हम रहता है, हमें परेशानी रहती है, कर्क जो है आपकी राशि है, तो यहाँ पर हम चंद्रमा को देखते हैं। जब चंद्रमा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं हमेशा नहीं होता आपके साथ में, कभी जो है आपके साथ में ऐसा लगेगा हम बहुत अंदर से मन टूट रहा है, कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो ये कारण है। साथ ही यहाँ शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र की महादशा के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपने शुक्र का उपाय आपके लिए बेहतर रहेगा, आपने कपूर से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करा कर मोती रत्न धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जय भोलेनाथ। भाई पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो पूजा जी, नूरजा जी, चलिए लग रहा संपर्क, हम अपने अपने जो आज का टॉपिक है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, वरना कहेंगे टॉपिक तो आपने रखा और बताया नहीं, तो आज के उपाय के बारे में बताना चाहेंगे। आपने देखा होगा नमक, नमक हमारे जीवन में क्या उपयोगी होता है, नमक का अगर हम यहाँ देखते हैं कि क्या करना है, अगर आपके घर में कहीं वास्तु दोष है, नकारात्मक चीजों का असर दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है? कभी कभी होता है अगर हमारे शरीर में भी लगता है कि हमारे नमक की कहीं कमी महसूस होती है, जहाँ देखिएगा बड़ी बड़ी जगह, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे वो गुजरात हो, वहाँ का पानी नमकीन होता है, वहाँ पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और ऐसे में अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल के स्नान कर लीजिए,
घर में अगर नकारात्मक चीज है तो आपको करना है बाथरूम में जो ऊपर के साइड में जो दीवार होगी कहीं ना कहीं रखने की जो दीवार होगी वहां पर आपने कांच की कटोरी ले लीजिएगा, उसमें साबुत जो खड़ा नमक होता है चमकीला नमक होगा वो आपने भरकर रख देना है और हर महीने उसको बदलते रहना। इससे जो है आपके घर में जो निगेटिव चीजें हैं वो हट जाएगी। नमक जो है रात में आपने पानी जिससे पोछा लगते हैं उसमें डाल दीजिए, उससे बार पोछा लगाइएगा आपके लिए बेहतर रहेगा। नजर लग जाती है तो नमक उसार के दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। नमक का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। आपके घर में आपके जो रिश्तेदार है कहीं ना कहीं आपको जो है नमक कहते हैं, नमक हरामी करते हैं, तो आपके क्या करना है मंदिर में जाकर नमक दान करिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये है आज का नमक 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 का उपाय। भाई लकी टिप्स का आज का उपाय हम बताने चाहेंगे। आज का लकी टिप्स कहता है प्रत्येक महीने मंदिर में गुप्त दान करिए, बता के मत करिएगा कि आज हम ये देखे आए। गुप्त दान का मतलब चुपचाप जाके दान कराइएगा तो आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कल हमें दीजिए एक हम चाहेंगे हमें इजाजत चाहिए क्योंकि कल हमें आपको एक नए उपाय के साथ में और नए विषय के साथ में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय जय भोलेनाथ।